फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल शिक्षण अकेडमी पर। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया गया है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। क्या है आपका एक स्विमिंग पूल दिया गया है, कुछ इस तरह से आपका है रेक्टेंगुलर, मतलब रेक्टेंगल का शेप का है, इस तरह से आपका एक स्विमिंग पूल बना हुआ है और इसका पेरीमीटर दिया गया है 154 मीटर। ओके, देन ऐसा दिया गया, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। देखो, अगर ब्रेथ आपको इसका पता हो तो उसका जो लेंथ आएगा ना, तो 2 मीटर क्या है इसका, मोर देन है, ठीक है, ट्वाइस उसका डबल का 2 मीटर ज़्यादा है। मतलब अगर आप यहाँ पे, अगर सपोज एक्स, अगर मैं यहाँ पे ब्रेथ ले लूँ तो जो लेंथ आएगा, लेंथ इसका होगा 2x+2, इस तरह से होगा, इसके क्या होगा, ट्वाइस का प्लस 2 ज़्यादा। ओके, इस तरह से। देन व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पूल, हमें इसका लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है, पूल का पेरीमीटर दिया गया है। तो सबसे पहले देखो सॉल्व करते हैं, जो दिया है वो लिख लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज इक्वल टू 154 मीटर, जो दिया था वो हमने लिख दिया। ए आपका एल है, ए एल है, ए बी है, बी है। आपको पता है यहाँ पे रेक्टेंगल में आमने सामने जो होते हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो देखो, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स, हमने क्या किया, ब्रेथ को पहले यहाँ पे कंसीडर कर लिया कि इसके ब्रेथ कितना है, एक्स है। बाद में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला था कि ऐसा बोला था जो इसका जो लेंथ है एल, लेंथ क्या है उसका डबल है, किसका, ब्रेथ के डबल का प्लस ज़्यादा दो, ऐसा लिखा है रहा, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। क्या है इसका ब्रेथ का ट्वाइस करो, दैट मीन एक्स था, ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई, 2x हो गया प्लस, और 2 जितना इसमें क्या था, 2 मीटर ज़्यादा भी था, तो प्लस 2 लिख दिया यहाँ पे। तो इसका आ गया यहाँ पे, आप इस तरह से देखो, ए आपका बी हो गया मतलब ब्रेथ, और ए आला हो गया आपका लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है। अब देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दो। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी रेक्टेंगुलर, कोई भी रेक्टेंगल दिया है आपके पास, उसका पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L + V, 2 × length + breadth भी बोलते हैं इसको, आप ऐसा भी लिख सकते हो 2 × L + B। ये आपने सीखा हुआ है 7th में फॉर्मूलाज। तो यहाँ पे देखो पेरीमीटर क्या दिया था, पेरीमीटर की जगह आप लिख सकते हो यहाँ पे 54, यहाँ इस साइड लिखने के बजाय इस साइड भी लिखोगे तो इक्वल इस तरह तो भी चलेगा, ठीक है। पेरीमीटर यहाँ पे 2 हमने लिखा, लेंथ कितना दिया था, 2x+2 लिख दिया, प्लस था तो यहाँ पे प्लस, और ब्रेथ कितना था x, यहाँ पे इस तरह से लिख दिया हमने। थोड़ा सा मैं रफ कर दूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, ये हमारा फिगर था। तो इस तरह से होगा, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन का लेंथ जो था क्या दिया था, 2x+2, तो यहाँ पे एरा रखा, एंड प्लस था तो प्लस, ब्रेथ कितना था x, वो यहाँ पे पुट कर दिया। पेरीमीटर यहाँ पे हम 154 इधर भी लिखे या इधर, इक्वल में हमने लिख दिया 154 मीटर। अब यहाँ से आपको x की वैल्यूज फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करो, इस 2 को यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे 2x है प्लस x है, तो ब्रैकेट वाले को सोल्व करो, 2x और 1x है, देखो 1+2 कितना होता है 3, इसी तरह 1x है और 2x है, तो 3x हो जाएगा, प्लस 2 इसके साथ रहेगा। अब देखो क्या करेंगे, अब 2 देखो इधर है ना, मल्टीप्लाई में इधर भेज दो, डिवाइड में आ जाएगा इस तरह 154/2 आ जाएगा, 154/2 है। अब इसको कट करोगे तो आंसर आपका आने वाला है यहाँ पे 77, जब आपने 154 को क्या किया यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो आंसर क्या है आपका, यहाँ पे 77। देखो इस तरह से था ना क्वेश्चन, तो यहाँ पे आंसर आएगा 77। अब देखो 2 इधर प्लस में, इधर भेज दो इसको माइनस में आ जाएगा, तो 77 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, इस तरह से 3x इज इक्वल टू 2 को इधर भेज दो, 77 आ गया था, माइनस 2 हो जाएगा, 77 - 2, इस तरह से आपका 3x इज इक्वल टू 77 - 2 आगे। अब 77 - 2 क्या होता है, 75। अब 3x इज इक्वल टू 75 आ गया, ऐसे क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है एक्सरसाइज 2.1 में। तो अब x यहाँ पे x को इस साइड ही रखो, लेफ्ट हैंड साइड, और 3 को क्या करो मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में भेज दो, तो x इज इक्वल टू आपका आ जाता है 75/3। अब आपको डिवाइड करने आता है, आप ऐसे भी कर सकते हो, 75 को 3 से डिवाइड कर दो, या फिर डायरेक्ट से देखो 3 × 2 = 6, 1 यहाँ से बचा और 1 × 5 आ गया, इसके साथ क्या होगा 15, 3 × 5 होता है 15, आपका क्या आंसर आया 25।
या आप ऐसा भी बोल सकते हो 25 थ्रीजा क्या होता है 75, तो आंसर आएगा आपका x की वैल्यू आएगा आपका 25। डिवाइड करके करना है तो आप ऐसा कर सकते हो 75 पे रहा डिवाइड करो 3 से, 3 टू जै 6, यहाँ पे क्या 1 रिमेनिंग 5, अब 3 5 जै क्या होता है 15, तो कट गया पूरा रिमाइंडर 0, तो आंसर क्या है आपका 25, तो x की वैल्यू आया 25। अब x की वैल्यू एक और रखो यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ में, तो यहाँ पे ब्रेथ क्या था x ही था, ब्रेथ इज इक्वल टू x इज इक्वल टू आपको x की जगह पे क्या रखोगे 25, तो आंसर आ गया आपका यहाँ पे 25 मीटर आएगा क्योंकि मीटर में दिया था सभी वैल्यूज। अब देखो लेंथ इज इक्वल टू 22x + 2, यहाँ पे मीटर आएगा सेंटीमीटर नहीं, तो लेंथ क्या हमने वहाँ पे लिखा था, लेंथ का फॉर्मूला ऐसा आया था आपका जब आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किया था, तो लेंथ इज इक्वल टू 2x + 2। अब x की जगह यहाँ पे आप x की वैल्यू रखो 2 × 25 + 2, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो 25 × 2 = 50, देन प्लस में 2, 50 + 2 कितना होता है 52 मीटर आपका आंसर आने वाला है इस तरह से 50 + 2 मीटर, ये आपका आंसर है। यहाँ पे भी क्या आएगा मीटर आएगा, ब्रेथ कितना है 25 मीटर एंड और लेंथ कितना आ गया 52 मीटर। आप इसको चेक भी कर सकते हो, उसने क्या बोला था लेंथ कितना चाहिए ब्रेथ का डबल और 2 ज़्यादा उससे डबल करके, तो 25 × 2 = कितना होता है 50 + 2 ऐड कर दो कितना आ गया आपका लेंथ यहाँ पे 52 आया, ये रहा। इस तरह से आप आंसर भी चेक कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।